नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। झारखंड में इन दिनों सोहराय पर्व को लेकर एक बहस चली है। बहस इस कदर आगे बढ़ी है कि वहां के जो युवा हैं, खासकर मर्द जो युवा हैं और वहां का मर्द समाज है संथाल आदिवासियों का, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनके त्योहार को बदनाम किया जा रहा है। और वह मसला है रजनी मुर्मू के एक पोस्ट से जुड़ा हुआ। रजनी मुर्मू शिक्षिका है, गोड्डा में पढ़ाती हैं और उन्होंने पोस्ट लिखा था सोहराय पर्व को लेकर और कहा था कि पोस्ट में कि सोहराय में जो मिलने जुलने की परंपरा है उस परंपरा में हिंसा आ गई है, मर्दवादी ताकत आ गई है और साथ साथ ये कहा था कि बदतमीजियां होती हैं महिलाओं के साथ। उनके इस लिखे जाने के बाद काफी पक्ष विपक्ष हुआ। उसके बाद जंजवार ने एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद सैकड़ों कमेंट आए हैं, आप जाके यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी देख सकते हैं, जिसमें लगातार कुछ बातें वहां से कहा जा रहा है। क्योंकि मैं आदिवासी नहीं हूं इसलिए हमें वह बहुत सच नहीं पता है, ऐसे में हमने जोड़ा है उन लोगों को आज बातचीत के लिए जो खुद आदिवासी हैं, आदिवासी समाज के लिए जीवन भर काम करते रहे। सवाल जो उठ रहे हैं उसका मैं हल्का सा एक परिचय करा दूं बस 30 सेकंड में, वो ये कि वो संथाल समाज को बदनाम कर रही हैं, सोहराय को कर रही हैं, उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, ऐसा नहीं होता है, इसका वो प्रमाण दें, इस तरह की तमाम बातें कही जाती हैं। ऐसी बातें हर उस वक्त में कही जाती हैं जब कहीं भी सवाल उठता है। खैर, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ सबसे पहला परिचय मैं निर्मला पुतुल का कराऊं। वरिष्ठ कवि हैं, उस समाज को जानती हैं, लगातार लिखती रहती हैं। उसके अलावा हमारे साथ मोनिका मरांडी हैं, वह सखुआ नाम की एक पत्रिका निकालती हैं, वेब पोर्टल है उनका। उसके अलावा वो ट्रेवलर ब्लॉगर हैं और वो लगातार लिखती हैं, खुद भी आदिवासी समाज से आती हैं। उसके अलावा हमारे साथ हिमांशु कुमार हैं। हिमांशु जी पिछले लंबे अरसे से, करीब 3-4 दशकों से आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आइए इन लोगों से समझें कि आखिरकार रजनी मुर्मू के जरिए सोहराय को लेकर या बदल रही आदिवासी प्रवृत्ति को लेकर या जैसा भी कहें बाजारवादी बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर जो बहस छिड़ पड़ी है उसका क्या सच है और क्या झूठ है। बातचीत की शुरुआत निर्मला जी आपसे करते हैं, आप सुन पा रही हैं हमें ना? जी, मैं सुन रही हूँ। जी निर्मला जी, आपसे करते हैं कि रजनी मुर्मू ने सवाल उठाया, आपने देखा पढ़ा होगा, आपका क्या कहना है? जी देखिए, सोहराय जैसे पर्व बहुत पवित्र पर्व माना जाता है आदिवासी समाज के लिए जी। और आज से ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही जो व्यवस्था इसकी रही है पर्व त्योहार को लेकर के जो आदिवासियों में एक मान्यता है कि ये भाई बहन का बहुत बड़ा पवित्र पर्व, तो इसलिए जैसे बहन की शादी हुई है तो वहां से आमंत्रण करके उनको लड़के के घर या मायका बुलाया जाता है और उनका बहुत खातिरदारी होता है, हम मिल बैठ करके सबको सोहराय पर्व मनाते हैं। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि अभी जो बाजारवाद का जो तेजी से समय पनपा है और जो इसमें जो विसंगतियां दिख रही है, सिर्फ आदिवासी सोहराय की बात को लेकर ही नहीं कह रहे हैं, हम तमाम चीजों को लेकर के कह रहे हैं कि इधर विकृतियां जरूर पैदा हुई है। और ये कहते हैं कि आदिवासी समाज में इस तरह की जो विकृति पैदा हो गई है वो सामने मिलता है, दुख वहाँ होता है जब हमारे आदिवासी समाज में जो सोहराय मनाया जाता है, रजनी मुर्मू ने जो पोस्ट किया है उससे भी हम भाग नहीं सकते हैं, चीजों को रजनी मुर्मू भी देख रही है, चाहे रजनी मुर्मू हो, चाहे सजनी मुर्मू हो, चाहे कोई भी मुर्मू हो, जो मुद्दे पर हम आधारित बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सोहराय पर्व में इस तरह की वहां पर घटना घटित होती है और ये सब चीजें हम देख ही रहे हैं। और जो हमारे समाज में, जो आदिवासी समाज में लोग मौन चुप्पी धारण किए हुए हैं, जो सहमति असहमति दोनों का चल रही है दिमाग में लेकिन खुल के नहीं बोल पा रही है, लेकिन बाहरी जो बाहर से जो टिप्पणी आ रही है उस टिप्पणी को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि इसमें किस तरह की असहमति और असहमति है, आखिर जो इतनी कमेंट्स मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है लेकिन लोक लाज के चलते लोग बातों को छिपाते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जो अपने ही समाज के वैसे पुरुषों को मान सम्मान मनोबल बढ़ा देती हैं जो को इस तरह करने में उन लोग को थोड़ा सा भी मतलब शर्म नहीं लगता है, और औरत के प्रति उन लोग का नजरिया जो है बिल्कुल ही गलत होता जाता है,
और यह सब चीजें हम सोहराय में ही नहीं बल्कि सभी जगह देखते हैं कि इस तरह से जो बदतमीजियां होती है, छेड़खानियां होती है, ये गलत है। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो रजनी मुर्मू के माध्यम से ही सही जो बात निकली है, ये बहुत पहले ही निकल जानी चाहिए थी किसी के माध्यम से, लेकिन ये चलिए एक काबिल तारीफ है कि ये बात निकल गई है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी समाज के लोगों के भी बीच में ये सहमति असहमति दोनों चीजें बनी हुई है, लेकिन कह रहे हैं ना लोक लाज के चलते लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कब तक नहीं बोलेंगे। हम जो बात बोल रहे हैं वो समान हमारे समाज की चीजों को जान रहे हैं, हमारा समाज ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जब उन्हें बाजारवाद जो हावी हुआ है ऊपर जो टीवी दुनिया की जो दुनिया चल रही है उसमें देखते देखते लोगों की मानसिकता विकृत हो गई है और वो अपने चीजों को अपने जो परंपरा चीजों को वो विकृत होते जानबूझ करके वो लोग विकृत कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो रजनी मुर्मू का नाम से समर्थन की बात नहीं करते, मुद्दे को हम समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाया है ये उनका हम जोरदार समर्थन करते हैं। ऐसा होता है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक शिक्षण संस्थान है वहां से तो बचना चाहिए सबको। और जो ये रजनी मुर्मू के बहाने बात बात में लगती है ये बात और दूर तलक जाएगी और दूर तलक जाएगी तो उम्मीद है एक दिन जरूर रंग लाएंगे। ठीक बात निर्मला जी, आप बने रहिए, अभी और हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ दिखाई दे रही है मोनिका मरांडी, आप युवा हैं मोनिका और आप अभी पढ़ लिख के निकली होंगी कुछ साल पहले या अभी पढ़ रही होंगी संभवतः। ये बताइए कि जिस काले जिस परंपरा और जिस बाजारवाद की तरफ इशारा कर रही थी निर्मला जी और रजनी मुर्मू ने भी लिखा है अपने पोस्ट में, वो आप लोगों ने भी देखा और झेला होगा। आपके हिसाब से जो मर्द समाज वहां की टिप्पणियों में कह रहा है कि हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है, संथाल आदिवासी को बदनाम, इसका क्या सच है? बदनाम किया जा रहा है या सच को सच में लाया जा रहा है? देखिए जहां तक मेरा अनुभव है और उनका पोस्ट आपने अगर पढ़ा भी होगा पूर्ण रूप से, जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, उन्होंने पूरे समुदाय के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि एक वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे छेड़खानी होती है, महिलाओं का भेदभाव होता है। और ये हम नहीं कह रहे, डाटा भी कहता है। अगर आप मेरे पास इंडिया टुडे का डाटा है तो अभी मैं आपको भेज सकती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है झारखंड उन राज्यों में है जहाँ पे लड़कियां रेप होते हैं, 7,000 से ज्यादा केसेस वहाँ पे दर्ज होते हैं। तो हम ये नहीं डाल सकते हैं कि समाज में हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह पुरुषों की प्रतिक्रिया वहां पे आ रही है कि वहां पे कह रहे हैं कि हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है जी, तो हर जी, समाज में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं और हम उसको नकार देना ऐसी तो सबसे बड़ी विफलता है समाज की, जब वो नकार रहा है कि हमारे समाज में कोई त्रुटियां ही नहीं है, कोई कमियां ही नहीं है। और उसको एक महिला के लिए पूरा एक झुंड लोगों का उनके कॉलेज चला जाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, उनको कॉलेज में आके धमकाने की कोशिश करता है। तो ये कोई सभ्य समाज की तो नहीं मैं कहूंगी कि ये रूप है। और जिस तरह उन्हें मतलब ऑनलाइन उनके स्टेटस में जिस तरह उसका उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उनके बाल बच्चों उन पर, तो ये कोई पढ़ा लिखा समाज नहीं कर सकता है। ये वही समाज कर सकता है जो ग्रसित हो, महिलाओं को ऊपर नहीं आने देना चाहता हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आधे से समाज ऐसा कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि जो लोग पनप रहे हैं, खासकर युवा, मेरे कमेंट बॉक्स में जब मैंने रजनी दी के लिए पोस्ट वहां पे लिखा तो 13 साल के 16 साल के बच्चे थे जो उनको किस तरह तरह के उनपे लांछन लगा रहे हैं लगातार, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो जब कोई मुद्दा आता है तो तर्क के बिना बात करना, मतलब तर्कविहीन बात करना और लगातार से क्वेश्चन करना उनको, तो ये कोई तरीका ही नहीं। हम किस ऐसे समाज में क्यों ही जा रहे हैं जो तर्क करने की शक्ति नहीं देता है, जो सवाल पूछने की शक्ति ही नहीं देता, उल्टा जो सवाल करता है उसको दबा रहा है। तो ये समाज तो होना ही नहीं चाहिए। और आदिवासी समाज तो जब हम बोलते हैं कि समानता की भाव रखता है, तो ये कैसी समानता है जहाँ पे एक महिला को बोलने का अधिकार नहीं है और उसके जीवन का पर्चा पूरा खोल दिया जाता है, पर वहीं कोई पुरुष उससे जो सवाल पूछ रहा है उसके जीवन गालियों का इस्तेमाल हो रहा है, उन पर कोई सवाल टिप्पणी ही नहीं कर रहा है कि वो किस पार्टी से है या किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी जाति का है, किससे संबंध है। तो ऐसा क्यों है कि जब महिला आवाज उठाती है तो सवाल से ज्यादा जरूरी उनके उसका स्वभाव हो जाता है, उसका चरित्र हो जाता है,
और वो कोई आम महिला नहीं है, वो एक प्रोफेसर है, समाज को जानती है, वहां पली बड़ी है, वो हम सबसे बेहतर जानती है। तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर वो समाज को ठीक करने के लिए उन्हें आवाज उठाई है तो हमें बैठ के बात करनी चाहिए थी, सभ्य तरीके से उनसे पूछना चाहिए था और सही कदम उठाने चाहिए थे, ना कि ये भी कहते ना धमकी भरा जो एक मॉब लिंचिंग जो एक शब्द आया था, उनको मॉब लिंचिंग मतलब बहिष्कार करेंगे हम, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन मॉब लिंचिंग है ये बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल आप बॉल देखिए, बॉल भरा हुआ है सखुआ के पेज पे, जहाँ पे उनको गाली गलोच और मतलब किस भद्दी अभद्र भाषा कहेंगे जिसे, पूरा बॉल भरा हुआ है, आप किस बिहाव पर उनको ऐसा कह सकते हैं। चलिए आलोका जी ये बताइए, आएंगे आपके पास फिर से। आलोका जी आप देखिए कि रजनी मुर्मू को आप जानती होंगी, समाजशास्त्र पढ़ाती हैं, वो खुद भी कह रही थी कि ये बात बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी, यह सभी झेल रहे थे लेकिन समाज, अस्मिता, आदिवासी और फिर कौन सुनेगा हमारी, इसकी वजह से लोग चुप हो जाते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, आप लगातार समाज में काम भी करती। देखिए रजनी मुर्मू ने एक बहुत इंडिकेशन को फोकस किया है, वो है हिंसा, आदिवासी महिला पर हिंसा। ये हिंसा एक शब्द है जो आदिवासी समाज की महिलाएं लंबे समय से झेलती आई हैं, और ये हिंसा का स्वरूप जो है अलग अलग जगहों में अलग अलग रूप में है, मौजूद है, और ये हिंसा की आवाज के रूप में मुखर होकर उन्होंने सोहराय के जो महोत्सव है उसमें होने वाली हिंसा को एकमात्र इंडिकेशन किया है। तो ये इंडिकेशन हिंसा की जो रूप है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। आपको समझना पड़ेगा कि आदिवासी समाज के अंदर जो हिंसा के जो स्वरूप है, इसमें जो छुपी साधे हुए लोग हैं और लगातार जो गाली गलौज दे रहे हैं, वो सीधे का सीधे जो सत्ता खत्म होते हुए दिख रहा है उनको, उस पर वो वार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं। जहां पितृ सत्ता की बात आती है, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, जहां महिलाओं की आजादी की बात आती है, और जहां आदिवासी संस्कृति को ढोने वाली महिलाओं की बात आती है, वहां महिलाओं की असुरक्षा और महिलाओं पे हो रहे हिंसा जो है वो बड़ा सवाल है। वो बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि झारखंड जैसे इलाकों में माइग्रेशन, मानव तस्करी, डाइन हत्या जैसे हजारों हजार मामले जो है पड़े हुए हैं, और इस पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। वो रजनी ने जिस हिंसा की बात की है, वो हिंसा समाज के अंदर पहले से ही व्याप्त है, और इस हिंसा के को लेकर हर समुदाय के अंदर जो संघर्ष है वो महिलाएं खुद अकेली लड़ रही है, इसपे समाज का बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही कारण है कि आज झारखंड के हर महिला थाना इस महिला हिंसा, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, और सड़क पर जो शिकार हो रही महिलाएं, गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही है, रेप जैसी घटनाएं वो बढ़ रही है आदिवासी समाज के अंदर। ऐसे तमाम केसेस जो है वो महिलाएं थाना में पड़े हुए हैं, कोर्ट न्यायालय में पड़े हुए हैं, और महिलाएं अपनी न्याय की लड़ाई कोर्ट थाना और अपने समाज के अंदर, अपने अंदर और गाँव के अंदर, परिवार के अंदर लड़ रही है। तो हिंसा को हम नकार नहीं सकते हैं। हिंसा के जो स्वरूप है वो अलग अलग जगह में अलग अलग है। अभी जो सोशल मीडिया में जो सवाल उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया में इसको पोस्ट नहीं करना चाहिए, आज से 20 साल पहले जब अखबारों में रेप की घटनाएं पोस्ट होती थी, आती थी, उस समय कोई आदिवासी समाज ये बात बोलने के लिए सामने नहीं आया। सोशल मीडिया में जब ये बात पोस्ट हुआ तो ये बहुत शालीनता और सभ्य तरीके से बोला गया, इस बात को लेकर पूरी बखेड़ा खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो परिवर्तन की धारा आदिवासी समाज में महिलाओं ने गढ़ा है, बनाया है, बढ़ा है, उस बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए ये जो स्वरूप सामने आ रहा है, ये एक भयावह स्वरूप है। जो सत्ता का खिसक जाना, पितृ सत्ता पर चोट करना, ये एक बड़ा सवाल हम लोगों के लिए है, और हमें लगता है कि यहीं से एक नई राह की
और नए दिशा की ओर आदिवासी समाज बढ़ेगा। जी चलिए, ये तीनों लोगों ने, हिमांशु जी अब आपके पास हम आते हैं, आप लगातार आदिवासी बनाम सत्ता के संघर्ष को करते रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अभी जो विमर्श है वह आदिवासी समाज के भीतर महिला बनाम पुरुष का है, हिंसा बनाम मर्द की हिंसा बनाम औरत पीड़ित का है। आप जब उन समाज में होते हैं, उनके बीच होते हैं, तो आप भी इन समस्याओं को देखते होंगे लंबे समय तक। ये आप अभी जो सोहराय को लेकर सवाल उठा है और जो आलोका जी कह रही हैं, बेसिकली एक तरह की हिंसा की तरफ इशारा किया है। आलोक निर्मला जी भी कह रही थी बात दूर तक जाएगी, तो आपके हिसाब से मतलब क्या है, क्या वहां का स्वरूप? आप तो हालांकि छत्तीसगढ़ में हैं। जी वैसे जी। मैंने रजनी मुर्मू जी के समर्थन में फेसबुक पर जसिका करकट्टा की पोस्ट को शेयर भी किया है और उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी की है और मुझसे ये कहा है कि आपको इस पोस्ट को शेयर नहीं करना चाहिए था। खैर, मैं इसे थोड़ा सा व्यापक तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आदिवासी समाज लंबे समय से निशाने पर है और वो पूंजीवाद के निशाने पर है, और पूंजीवाद किसी भी समुदाय की सामूहिकता से, उसकी सामुदायिकता से डरता है, क्योंकि एक संगठित समुदाय पर हमला करने में पूंजीवाद को कठिनाई आती है। तो आज आदिवासी की सामुदायिकता निशाने पर है, और जो सामुदायिकता है उसका जो आधार है वो होती है संस्कृति। तो आदिवासी की संस्कृति निशाने पर है, उस पर हमला है, और तीसरा जो अल्टीमेट गोल है वो उसके संसाधन। जब हम समुदाय को तोड़ देंगे, उसकी संस्कृति को नष्ट कर देंगे, तब उसके संसाधन पर हम कब्जा कर लेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए वो ला रहे हैं, जो हमला हो रहा है, जो हिंदूकरण किया जा रहा है आदिवासी इलाकों का, वो क्या क्या ला रही है आदिवासियों की इन तीनों चीजों को खत्म करने के लिए? पितृसत्ता, सांप्रदायिकता और अंत में पूंजीवाद, पूंजीवाद का समर्थन। तो आप देखेंगे कि आदिवासी इलाकों में, मैं 30 साल पहले बस्तर आया था, बिल्कुल रेप नाम की चीज नहीं थी, आदिवासी भाषा में रेप शब्द के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई यौन प्रताड़ना जैसी बात पूरे बस्तर में कहीं नहीं दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे जो हिंदूकरण का प्रोजेक्ट आया, उसने पितृसत्ता घुसाई, सांप्रदायिकता घुसाई। आपको याद होगा गुजरात दंगों में आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया था, बहुत बड़े पैमाने पर आरएसएस ने आदिवासी गांव में अपनी ब्रांचेस खोल ली है, और आज वो सांप्रदायिक, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो सांप्रदायिक, आदिवासी सांप्रदायिकता की तरफ जा रहे हैं। और इसका लक्ष्य एक ही है कि कैसे यहाँ के संसाधनों पर कब्जा किया जाए, पूंजीवाद को स्वीकार्य बनाया जाए। तो आज जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठन है, उसमें जो आदिवासी जुड़े हैं, पिता कह रहा है कि मैं जमीन नहीं दूंगा, लेकिन बेटा कह रहा है कि विकास करना है तो जमीन दे दो। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट आदिवासी की संसाधनों पर कब्जा करने के अल्टीमेट गोल से संचालित किया जा रहा है, और उसके हथियार हैं पितृसत्ता, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद, और निशाने पर है उसका सामूहिकता और उसकी संस्कृति। अच्छा हिमांशु, तो आप पूरे परिदृश्य में देखें। जी मैं ये कह रहा था कि आप जब कह रहे हैं, ये 30 साल पहले की बात कह रहे हैं कि वहां यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसे, रेप जैसे शब्द नहीं थे। निर्मला जी आपसे मैं एक सवाल कहता हूं, सुन पा रही है ना? क्या आदिवासी समाज, वाकई आदिवासी समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, क्योंकि देखिए जो डायन और बिसही के नाम पर हत्या, ये तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये जो हिंसा है, तो जाहिर तौर पर भी सही, और उसमें रेप भी होता होगा, बलात्कार भी होता होगा, मुझे करेक्ट करिए अगर गलत होऊंगा, या फिर ये नया आया है? क्या आदिवासी समाज के मर्दों द्वारा महिलाओं पर जो हिंसा है, ये हाल के वर्षों की घटना है या
संस्कृति के हिस्सा में रही है जैसे बाकी समाजों में रहा। यहाँ हम कहना चाहेंगे कि ये हाल की घटना नहीं है जी, बल्कि ये पहले से ही आदिवासी स्त्रियों को पुरुषों के अंतर्गत ही उसके अंदर उसके नियम कानून के सहारे ही जीना रहना पड़ता है और आज भी लोग उन्हीं के इशारे पर जी रहे हैं। लोग इस तरह से महिलाओं को उन्होंने उपयोग किया है कि आदिवासी स्त्रियां जो पुरुष जैसे चाहेंगी वैसा ही करे, अगर वो दिन को रात कहे तो रात ही कहे। पुरुषों की ये मानसिकता रही है कि अगर औरत का नाक नहीं होता तो महिलाएं मतलब मल खा जाती, इस तरह का उन लोग का विचार है। मतलब हमारा ये कहना है कि जब एक समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही जी। बराबर के भागीदार हैं तो स्त्री को क्यों ये सम्मान नहीं मिलता है? मतलब पुरुषों की जो अहंग है, पुरुषों का जो महिलाओं के प्रति अपना कब्जा है, वो समझते हैं कि स्त्रियां एक संपत्ति है, उनकी संपत्ति हो गई है, वो जिस तरह से यूज करेंगे वैसे उसको यूज किया जाए। तो ये जब वो अपनी आजादी की बात तक नहीं कर सकती, अपना डिसीजन नहीं ले सकते पुरुषों के अलावे, वो पुरुष से ही डिसीजन लेने की बात को बात करेंगे कि वो जब इजाजत देंगे तो वही सही है, वो यदि गलत भी डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं तो वो वही डिसीजन लेंगे। तो ये क्या है? ये तो साफ दिखता है कि आदिवासी स्त्रियां आज भी उन्हीं के बने बनाए हुए व्यवस्था पर जी रही है, उसी परंपरा पर जी रही है, वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रही है, ना नहीं उठ पाई है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो समय है, ये बदला है, क्योंकि अभी स्त्रियां खूब पढ़ लिख करके आगे आ रही है। इसके बाद वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को अच्छी तरह से समझ पा रही है। एक अभिव्यक्ति की जो आजादी है, स्वतंत्र जो मिली है उनको, अपनी बातों को रख पाती है। और ये सबसे बड़ी बात कि अभी जो सोशल मीडिया का समय है तो उस बहाने अपनी बातों को वो बात कह पाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अभी वो आजादी पाने के लिए छटपटा रही है, दोनों हाथ पैर छटपटा रही है कि वो चाहती है कि मुझे भी आजादी मिले। अब पुरुषों के जो बने बनाए हुए प्रेम से निकल कर, मतलब मैं एक ये बात ठीक है आपकी, ये समझना चाहता हूं कि क्या अभी जैसे स्थितियां हैं पिछले 30-40 सालों में, जैसे आपकी मां रही होंगी या आपके और घर वाले रहे होंगे आदिवासी समाज में, तो क्या उनको अभी से ज्यादा अच्छी स्थितियां थी बराबरी सम्मान को लेकर, या अब जाके बुरी हुई है? क्या हुआ, क्या है उस वक्त? तो पहले जो महिलाओं का जो स्थिति थी उस समय उनको इस तरह हिंसा था ही नहीं, उस समय बाजारवाद था ही नहीं इस तरह। अभी जो सामने का सिचुएशन है, अभी जो जिस तरह से पनप रहा है बाजारवाद आगे आ रहा है, लुभावने तरीके कई कई तरीके आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली है वहाँ पुरुष की मानसिकता भी तो बदली है। मतलब ये बीमारी जो ज्यादा दिखाई दे रही है वो बाजारवाद की देन है आदिवासी समाज में जी, बहुत बड़ी देन है जी। जी चलिए ठीक बात है, थोड़ा हम बढ़ते हैं चूंकि समय की सीमा होती है, एक दूसरे राउंड पर मोनिका से बात करते हैं। मोनिका ये बताइएगा कि जो अभी युवाओं का जो बराबरी वाला हिस्सा है, चूंकि लड़कियां बड़ी संख्या में पढ़ने आ रही हैं, आदिवासी समाज की भी लड़कियां पढ़ने आ रही हैं, आरक्षण की वजह से थोड़ा और ताकत मिलती है उन्हें, तो जब बराबरी में असर्ट कर रही हैं लड़कियां, तो क्या हिंसा पढ़ाई लिखाई समाज में पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है या सामान्य स्थिति है? क्योंकि अभी जो रजनी मुर्मू ने असर्ट किया और जिस तरह से उन पर लगातार वार हो रहा है, वो तो कुछ और ही इशारा करता। देखिए, इसको हमें इस तरह समझना होगा कि समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा हमेशा से थी जी। पर ये है कि अभी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, तो वो एफआईआर दर्ज कराती हैं, सोशल मीडिया पे लिखती हैं, तो अब वो कहीं रजिस्टर्ड हो रहा है, कहीं लोग पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो जो हम भ्रम हमने गोला बना के रखा है कि समानता का अधिकार और इक्वलिटी, ये सब बहुत ऊपरी बातें हैं जो बाहर से देखने को मिलती है, अंदर में बहुत सारे डिवीजन है जो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारी मुद्दे पे बात होती है कि अभी तक आदिवासी महिलाओं को जमीन का अधिकार नहीं मिला है,
अभी भी हम लोग उस पर लड़ रहे हैं कि औरतों को अपना, आदि से महिला को अपना जमीन का अधिकार होना चाहिए। अभी कई महिलाएं हैं जो अपनी बात नहीं कर पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं, तो बहुत सारी हैं कि बहुत सारे रूल्स हैं जिसके अंदर दबी हुई हैं। और जो युवा लड़की भी हैं, जो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो अभी आप, मैं इस केस का मतलब बोलना नहीं चाहती रूपा डिवके वाला के लिए, बट वहाँ पे जहाँ पे औरतें पहुंच जाती हैं अच्छे पदों पर, तो कहीं ना कहीं वही औरतें, खासकर आदिवासी औरतें, दोहरी मार झेल रही हैं। एक वो मार है जो ऊपरी अपर कास्ट और अपने समाज के लोग उस पर करते हैं, और एक वही लोग हैं जो हमको, बहुत सारे आदिवासी पुरुष या समाज हमें सपोर्ट करता है, पर कुछ संकुचित मानसिकता या क्या कहते हैं भ्रमित मानसिकता वाले लोग ऊपर से उस पर दबाव भी बनाते हैं। तो एक दोहरी मार है जो लगातार आदिवासी महिलाएं, खासकर यंगस्टर जो औरतें बड़ी नौकरियां कर रही हैं, पढ़ रही हैं, वो झेल रही हैं लगातार। और जब वो कहती हैं तो उनपे अलग तरह के लांछन तो लगते ही हैं। तो ये समझना पड़ेगा। अच्छा ये आलोका जी, अगर आप सुन पा रही हो मुझे, तो ये बताएं कि जो आदिवासी महिलाओं का संघर्ष है वह मर्दों के मुकाबले लगभग बराबर रहता है। जैसे मैं आंदोलनों में देखता हूं कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या फिर उड़ीसा का हिस्सा हो, बराबर स्त्री और मर्द साथ साथ आंदोलन में, जो भी उनके पास अपना पारंपरिक हथियार है उसको लेकर साथ साथ रहते हैं। तो आंदोलन में साथ हैं, जो कि मैदानी इलाकों में इतना नहीं दिखता है, यहां पैसा देकर बुलाना पड़ता है, तो आंदोलन में साथ हैं, बाकी खेती बाड़ी में भी साथ हैं। तो इस बराबरी में, और जब रजनी मुर्मू सवाल उठाती हैं, तो उसमें मर्द पीछे क्यों भाग जाते हैं, साथ क्यों उसी संख्या में नहीं खड़े हो पाते? देखिए मोनिका ने एक बात का इंडिकेशन किया है कि हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं है, और संपत्ति जो है वो उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का है। तो संपत्ति बचाने की जो लड़ाई है आदिवासी इलाकों में, पूरे भारत में, वहां लीड के रूप में महिलाएं ही हैं, और भारी संख्या में महिलाएं ही निकल कर आती है समझ कर कि उन्हें अपने किसान परिवार के लिए जमीन बचाना है। तो ये संघर्ष, जल जंगल जमीन के संघर्ष में महिला और पुरुष में महिलाएं लीडर के रूप में भागीदारी है, कहीं सामान्य रूप से भागीदारी नहीं है, उनकी भीड़ नहीं है, वो लीड के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है और जीत कर वो जी आवाज शायद नहीं आ पा रही है। चलिए हिमांशु जी आपके पास आते हैं इसी सवाल को लेकर। हिमांशु जी आप सुन पा रहे होंगे हमें? जी इसी सवाल को लेकर कि मतलब जब लीडर हैं, जैसा आलोका जी कह रही थी, वो लीड करती हैं, आप भी देखते हैं लीड करती हैं, लेकिन वो जब समाज में, परिवार में, घर तक आते आते वह भी दीकू व्यवहार में बदल जाता है। मतलब उनका भी व्यवहार, अगर हम मैदानी इलाके कहें जो दूसरे आदिवासी बहुल इलाके नहीं है, वैसा ही मर्दों का व्यवहार वहां भी हो जाता है। ये फर्क क्यों बना रहता है, जो कि रजनी मुर्मू के मामले में भी दिखता है, कि उनके साथ उस संख्या में मर्द नहीं खड़े होते हैं जिस संख्या में आंदोलनों में, अधिकारों की लड़ाइयों में घर बाहर औरतें खड़ा होती हैं उनके साथ? देखिए मुझे छत्तीसगढ़ का अनुभव है और मैं यहां देख रहा हूं कि सोनी सोरी हमारी साथी हैं, बिल्कुल, और वो जिस तरीके से यहाँ खड़ी हुई हैं, उनका कोई विरोध आदिवासी समाज की तरफ से या पुरुषों की तरफ से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। आज वो यहाँ की सर्वमान्य, नहीं विरोध की बात नहीं कर रहे हम, तो सवाल ही यही कर रहे हैं कि उनके साथ लड़ती हैं, आगे बढ़ के हैं, नेता हैं, लेकिन घर तक जब आप पहुंचते हैं जहां रजनी मुर्मू ने सवाल उठाया है, वैसे सवाल उठाते ही मर्द उस संख्या में नहीं साथ देते हैं जिस संख्या में उनके साथ औरतें साथ में होती। मेरा सवाल ये जी, देखिए इस समय सबसे जो बड़ी चुनौती है वो यही है कि पितृसत्ता जिस तरीके से अधिसंवादी समाज में या तो कुछ रूप में, किसी रूप में मौजूद रही है या फिर उसका हमला हो रहा है, उसको आदिवासियत बचाने के लिए उसके साथ सावधानी से उसका इलाज करते रहना, उसको कम करते रहना, उसको निकालना, ये बहुत जरूरी है। और ये काम आदिवासी समाज की महिलाओं को और पुरुषों को मिलकर के करना है, खासतौर से नौजवानों को। हमें याद है कि नागालैंड में किस तरह से रोजमेरी जो है वो वहां पर अभियान चलाए हुए हैं कि राजनीति पुरुषों की हाथ में, उनका उनका खेल नहीं है,
इसमें महिलाएं भी एक स्टेक होल्डर हैं, वो भी प्लेयर हैं, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया महिलाओं को राजनीति में लाने का, क्योंकि नागा समाज जो है वो भी पुरुष प्रधान एक तरीके से माना जाता था कि राजनीति सिर्फ पुरुष करेंगे, जो वहां की स्थानीय परिषद थी और जो राजनीति थी। तो रोजमेरी वहां की एक जानी मानी एक्टिविस्ट है जो महिलाओं के को राजनीति में शामिल करने की मुहिम चलाई है। इसी तरीके से सभी समाजों में, सभी आदिवासी समाजों में महिलाओं को वो चलाने की जरूरत है, और जो भी पितृसत्ता मौजूद है उसको चुनौती देना, उसको उसको कम करते जाना, और जो हमला हो रहा है हिंदुत्व की ताकतों द्वारा पितृसत्ता को घुसाया जा रहा है उसके, और सांप्रदायिकता को घुसाया जा रहा है उसके प्रति नौजवानों को जागरूक करना, ये आदिवासियत को बचाने का बहुत जरूरी काम है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारी आदिवासियत खत्म होगी, हमारी संस्कृति खत्म होगी, पूंजीवाद घुसेगा, हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, मतलब आदिवासी के रूप में आप नहीं बचेंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर नौजवान नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे, समझेंगे ठीक कर लेंगे तो अपने को बचा लेंगे। चलिए आखिरी सवाल आलोका जी से और बात यही खत्म करेंगे। एक बात बताइएगा, जब बातचीत में कर रहा था अभी मोनिका से, तो कह रही थी 13 साल 16 साल 18 साल के बच्चे हैं जो रजनी मुर्मू के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ज्ञान की जो यूनिवर्सिटी नहीं चली है, ये जो धारा है जिसके जरिए न इतिहास पढ़ना है न समाज जानना है, उसने उसने भी औरतों पर हिंसा को, औरतों पर मुकाबले को, मतलब इस तरह के माहौल को बढ़ाया है क्या? निश्चित रूप से ये बढ़ाया है। व्हाट्सएप और फेसबुक के दुनिया में अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक अच्छा अवसर दिया था, दिया है, और वो उस अवसर का उपयोग करने के बजाय ये एक तरह से लिंचिंग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और ये एक बड़ा भयावह दृश्य जो है हम लोगों के सामने दिख रहा है, जिसमें ऐसे यूथ आ रहे हैं जिसको समाज के उन प्रवृत्ति या महिलाओं की बातें नहीं सुनने का जो एक परंपरा डेवलप हो रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं, वो साफ साफ तौर पर अपनी मानसिकता को ये दिखा रहे हैं कि अब वो महिलाओं के बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि महिलाएं अपनी वेदना को बता रही हैं, उस वेदना को स्वीकार करने के बजाय उस पर लगातार हमले ही किए जा रहे हैं तकनीकी और व्हाट्सएप की दुनिया के माध्यम से। जी बहुत शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों के साथी थे, जिनमें की आलोका कुजूर है, मोनिका मरांडी थी, आदिवासी समाज में काम करने वाले हिमांशु कुमार और कवि निर्मला पुतुल थी। विस्तार से बताया, उसमें कुछ गौर करने वाली बातें रही, जिसमें की बात ये हुई कि बाजारवाद, आरएसएस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भी बड़े नुकसान किए हैं, और खासकर जो रजनी मुर्मू जैसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं उसको कैसे संस्कृति के लबादे में उड़ा दिया जाता है, कैसे ढकने की कोशिश की जाती है, कैसे आदिवासी अस्मिता का एक फिजूल सवाल बना दिया जाता है जो कि सही और जायज प्रश्न है, समाज को सुधरने देने के बजाय समाज को सुधरने का रूढ़ा बना के संस्कृति का एक बड़ा सा आडंबर खड़ा कर दिया जाता है, और उसी मुश्किल को इस वक्त रजनी मुर्मू या ऐसे सवाल उठाने वाला हर व्यक्ति झेल रहा है। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।